आज हम आपको एक बॉर्डर बताने वाले हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर है। छोटे छोटे फूल हैं, इन्हें इस तरह से बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल किनारे से लीजिए इस तरह। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, आपने देखिए तीन चैन बुननी है, एक दो तीन। तीन चैन बुनने के बाद जितना ये स्पेस आता है यहाँ से, इस तरह से आपने देखिए इस तरह से आपको एक बनाना है। फिर एक दो तीन, तीन के बाद फ्रेंड्स फिर यहाँ से लेना है देखिए इस तरह। एक दो हो गए, हमें तीन बार बनाना है। एक दो तीन, तीन चैन। फिर देखिए यहाँ से इस तरह से हो गए फ्रेंड्स, देखिए तीन हो गए। अब आपने इसको पलटना है और देखिए एक पल लेना है और इसे छोड़ के इसमें सेकंड वाले में आपने इस तरह से डबल क्रोशिया से आपने चार बार बुनना है। एक हमने बुन लिया देखिए, ये दो, ये तीन और ये चार। देखिए हमने चार बार डबल क्रोशिया से बुन लिया। अब देखिए हम पांच चैन डालेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन डाली फ्रेंड्स। फिर देखिए इसके अंदर डबल क्रोशिया से बुनेंगे, एक एक हो गया हमारा, दो तीन और ये चार। देखिए चार बार बुन लिया इस तरह से। फिर फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो बिल्कुल कोना था शुरू का, यहाँ इसे इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए फिर इसे पलटेंगी फ्रेंड्स, फिर ये देखिए इस तरह से एक चैन बुन के आपने इसमें ये देखिए डबल क्रोशिया से दो हो गए, ये तीन हो गए फ्रेंड्स। फिर आपने क्या करना है, एक एक और ये दो, दो के बाद आपने इसे फ्लावर की शेप देनी है इस तरह। फिर आपने दो चैन बुननी है और इस पर डबल क्रोशिया से तीन बार बुनना है, एक दो तीन। तीन के बाद फिर दो चैन, एक दो, दो चैन के बाद इसे फिर शेप देंगे इस तरह। देखिए फिर एक दो, दो के बाद फिर तीन, एक बार हमने बुना, दो बार और ये तीन बार। देखिए इस तरह से देखिए कितना प्यारा सा फूल बन गया है। तीन बार बुनने के बाद फ्रेंड्स दो चैन, एक देखिए तीन बार बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, ये देखिए ये जो है आपका इससे जॉइंट करना है इस तरह। इस तरह से इसकी लुक आएगी। फिर फ्रेंड्स आपने क्या करना है देखिए, फिर आपने इसको जॉइंट करने के बाद तीन चैन बुननी है, एक दो तीन। तीन चैन बुनने के बाद फिर आपने इसमें डालना है इस तरह, एक दो तीन। तीन चैन बुनने के बाद इस तरह से फिर एक दो तीन, तीन के बाद इस तरह से। देखिए फिर पलटेंगे इसको, फिर एक बल लेंगे और ये देखिए इसमें डालेंगे। देखिए दो बार बुन लिया, अब तीन बार बुनेंगे और एक बार और चार बार बुनना है हमने। चार बार बुन लिया, फिर देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच के बाद एक बल लेके फिर इसमें पांच ही बार इस तरह से पांच चैन बुन ली।
अब देखिए फिर हम डबल क्रोशिया से एक बार हमने बुन लिया, अब हम ये दो और ये तीन और ये चार, चार बार बुन लिया फ्रेंड्स। चार बार बुनने के बाद आपने यहाँ से देखिए जो था ना, यहीं से इसको इस तरह जॉइंट करना है। फिर देखिए पलट देंगे, पलटने के बाद एक चैन, उसके बाद देखिए एक बल, और उसके बाद इसके अंदर इसी तरह तीन बार बुनेंगे, एक दो तीन, तीन बार बुन लिया, फिर एक दो, दो के बाद इस तरह से, फिर एक दो, उसके बाद देखिए एक दो तीन, तीन के बाद देखिए फिर आपने इसको शेप देनी है, तो दो चैन, एक दो, और ये देखिए इस तरह से, फिर एक दो, दो के बाद देखिए एक दो, और ये तीन, तीन के बाद फ्रेंड्स फिर आपने इससे जॉइंट करना है, ये जो है आपका इस तरह। देखिए फ्रेंड्स बस हमें इन्हीं इन्हीं फूलों को रिपीट करके पूरा बॉर्डर बनाना है। हम आपको रिपीट करके दिखाते हैं कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स हमने इन्हीं फूलों को रिपीट करके कितना प्यारा बॉर्डर बना लिया है। बस आपको इसी एक इस एक ही फूल को रिपीट करना है, और जितना बड़ा बनाना चाहती हैं, जिस प्रोजेक्ट पे बनाना चाहती हैं आप बना सकती हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।